हेलो गाइस, बैक टू माय चैनल। हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। सो गाइस, आप कैसे हैं? आई होप अच्छे होंगे, हम भी अच्छे से। सो फ्रेंड, आपने देखा कि हम सब यूट्यूबर से कितनी बड़ी गलतियां हो गई है, क्योंकि विष्णु भैया को हमने सपोर्ट नहीं करे और मालती को सपोर्ट करके कितनी बड़ी गलती कर चुके हैं। और जो दिख रहा था तो हमें लगता था जैसे कि हर घरों में कोई कोई, सारी औरतें गलत नहीं होती है और सारे आदमी भी गलत नहीं होता है, तो उसमें जैसे एक एक आदमी गलत करते हैं लोग, औरतों का टॉर्चर करते हैं लोग, कोई कोई जैसे औरत को टॉर्चर करता है, ऐसे एक एक औरत भी होती है कि आदमी को टॉर्चर करती है, अपने हस्बैंड को टॉर्चर करती है। एक ये एकदम आंखों देखी हम लोगों के सामने आ चुका है कि ये विष्णु राज को ब्लेम करा जाता था और टॉर्चर करने वाला कोई और नहीं, मालती चौहान खुद उनकी बीवी थी और उनको बदनाम करती थी, तो ये अच्छी बात नहीं है। हमने सपोर्ट करे थे, ये इतनी हरामन औरत निकली, ये इतने धोखेबाज और ऐसी धोखेबाज औरतों को सपोर्ट करना हम सबके मतलब शोभा नहीं दे रही है, क्योंकि हम सबको चूतिया बना के और निकल ली। सबसे ज़्यादा सपोर्ट करी ये गोरखपुरिया भौजी, उन्होंने अपने काम काज छोड़ के उसके लिए हर तरह से कोर्ट में भी गई, और कोर्ट में भी आप लोगों ने देखे कि कोर्ट में भी जाके वहाँ पे मामला सुलह हो गया और राजीनामा करवा के वो मीडिया के सामने भी बोली कि हाँ हम दोनों एक साथ खुश रह सकते हैं, और वो चली गई। और जाने के बाद में क्या करी कि विष्णु भैया को उसने धमकाने लगी कि अगर तुम हमें हमेशा घूट घूट के देखना चाहते हो तो ऐसे ही, अगर हमें घुट घुट के देखना चाहते हो तो मैं ऐसे ही घुट के ही मरती रहूँगी और मैं मर जाऊँगी, कभी मैं ज़िंदा नहीं रह पाऊँगी, अर्जुन के बगैर मैं ज़िंदा नहीं रह पाऊँगी। तो कोई भी ऐसे समझदार इंसान होगा जिसका ज़िंदगी नरक बना दी है, उसे प्यार नहीं मिल रहा, वो अपने हस्बैंड को पति पत्नी वाली प्यार नहीं दे रही है, और हस्बैंड हो जो हमेशा परेशान है, हस्बैंड से कोई ऐसी पत्नी कहे कि हाँ मैं दूसरे से प्यार करती हूँ और मैं उसके बगैर जी नहीं सकती, वो अगर हमें ना मिले तो मैं मर जाऊँगी, तो एक हस्बैंड क्या कर सकता है? अगर अच्छे दिल के हैं तो वो उन्होंने उसकी बातों मैं आके मतलब सोचे जो हमारे वजह से वो अगर मर जाएगी, एक दूसरे को कुछ हो जाता है तो मैं फंस जाऊंगा, और ये मेरे पास खुश नहीं है, घुट घुट के जी रही है, तो उससे अच्छा मैं दोनों को मिलवा दूँ। एक एक हस्बैंड होता है कि मारता है पीटता है, तू ऐसी बोलेगी ऐसी कहेगी तो काट के फेंक देगा, जान से मार देगा, मतलब क्राइम कर बैठेगा। तो विष्णु भैया बहुत अच्छा समझदारी के काम करे, फिर भी वो फंस रहे हैं, उनकी फंसाए मतलब उनको ऊपर इल्ज़ाम आ रहा है कि तुमने क्यों करे। हाँ, ये गलती कर दिए हैं, क्योंकि जब ये बातें बोली तो जहाँ पे जिस वकील ने समझौता करा था और ये गोरखपुरिया भौजी ने उसे भेजवाई थी, तो उनसे एक बार संपर्क करते, बातें करते कि ये ऐसी ऐसी बातें बोल रही है, और वकील से भी मिलते, ये ऐसे ऐसे कह रही है, आप लोगों के मौजूदगी में मैं इसका शादी करवाता हूँ, शादी करवाते कोई बात नहीं, मगर वकील के सामने शादी करवाते, और ये जो लोग उसे उसके रिश्ता को बचाने को कोशिश करा था उनके सामने, उन लोगों के सामने ये शादी करवाते तो कितना बढ़िया होता, चाहे शादी करवाते चाहे उन लोगों से बात करते तो वो लोग क्या राय दे रहे लोग, तो वो राय जानना बहुत ज़रूरी था। तो इन्होंने ये गलती करा, तो ये विष्णु भैया ने ये गलती करा कि हाँ वो अकेला ही महान बनने की कोशिश करे, फिर भी वो सोच रहे थे कि हमारा पीछा मतलब मैं जिस प्रॉब्लम से जूझ रहा हूँ वो प्रॉब्लम मेरा सॉल्व हो जाएगा, तो और बेचारा ये विवादों में घिर गए। और चलिए ये सब हटाइए, वो तो जो हो ही रहा, अब ये मासूम बच्ची है अर्जुन का, जो मासूम बच्ची है और बीवी है, तो वो उसका क्या होगा?
ये मालती जो है इतनी चल्लाक, इतनी वो है, जो कह रही है कि मैं उसको कमा के खिलाऊंगी। कमा के कौन खिलाता है, वो कहाँ कमा के खिलाएगी। इतने वो नहीं रहेगी ये कि उसको ये पब्लिक सपोर्ट करेगा, इतना पब्लिक को चूतिया बनाती रहेगी। पब्लिक सपोर्ट थोड़ी करेगा उसके, कोई उसको सपोर्ट नहीं करेगा। और वो कैसे कमा के खिलाएगी, जो अपने पति को नहीं हुआ हुई, इतने बड़ा धोखा दे के वो चली गई। अपने पति से ही खुद हिम्मत देखो, खुद अपने पति से ही कह के शादी करवा ली अपना, तो दूसरे को क्या देखेगी। तो इसके साथ यही होना चाहिए कि इनकी और अर्जुन भैया को, अर्जुन को बुला के उनके घर कर दिया जाए। और मालती को जो है, मालती को जहाँ मर्जी जहाँ जाए, विष्णु भैया नहीं रखे उसे। विष्णु भैया को परेशान कर रही है, कभी जान से भी मरवा सकती है, तो उसको उनके साथ में नहीं रखने दिया जाए। और वो भी कह भी रहे हैं कि अगर वो आएगी भी तो मैं नहीं रखूँगा। क्यों रखेंगे ऐसे, क्यों, जब उनके सामने ही, उनसे ही किसी और से शादी कर ली, उनके सामने उनसे ही करवा दी शादी, किसी और से कर ली, तो वो कैसे रख सकते हैं उसको। और उस औरत को अकेला ही छोड़ दिया जाए, जो कहीं पे भी ठोकर खाए, कुछ भी करे, फिर उसे बाद में पता चलेगा जो इतनी बढ़िया हस्बैंड छोड़ने के क्या नतीजा होता है। एक बच्चा का भी ज़िंदगी ख़राब हुआ, तो बच्चा को जो है वो विष्णु भैया अपने लड़का ले ले, उसको लड़का भी ना दे। जब ऐसी आदत है तो लड़का उसको दे के अपने लड़के को ज़िंदगी ना ख़राब करे। और यह अर्जुन को जो है उसके परिवार से मिला दिया जाए, और वो अपने परिवार को देखे, अगर नहीं मानता है तो उसको कानून सजा दे, और वो अपने परिवार देखे। ये मालती को जहाँ जाना है वो जाए। सो फ्रेंड, ये हमारी राय था, और हमसे एक भूल हो गई थी कि हमने विष्णु भैया को मतलब